नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में। मेरी इस पोस्ट को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए नया वीडियो शुरू करते हैं। घी हमारी सेहत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सभी जानते हैं, तो इस वीडियो में हम देख लेंगे घी के अलग अलग फायदे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि घी को घर पर आसानी से कैसे बनाया जा सकता है और बाद में इसके हम फायदे भी जान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ली है मलाई, जो कि हमारे घर पर जो दूध आता है उसे फ्रिज में रखने के बाद ऊपर जो मलाई आती है वो मैंने यहाँ पे स्टोर करके रख दी है। ये 7 से 8 दिन की मलाई है, तो आपको सबसे पहले इसे 2 घंटे पहले फ्रिज के बाहर रख देना है। तो इसी तरह से आपको डेली 7 से 8 दिन तक मलाई फ्रिज में स्टोर करके रखनी है, बाद में आप इसे घी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। 7 से 8 दिन के ऊपर मलाई ना रखें, क्योंकि इसे बैड स्मेल भी लग सकती है। तो सबसे पहले आपको लेना है मिक्सी जार, उसमें हम डाल देंगे ये मलाई जो कि हमने 2 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दी थी, और इसमें हम डाल देंगे 2 से 2.5 गिलास पानी और इसे एक बार 5 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए 5 मिनट के अंदर अंदर हमने मक्खन भी निकाल लिया है। मुझे लगता है मक्खन निकालने का ये सबसे आसान तरीका है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें आपके हाथ भी बिल्कुल चिपचिपे नहीं होंगे। तो इस मक्खन को मैं 3 से 4 बार यहाँ पे धो रही हूँ। आपको यहाँ पे ठंडा पानी यूज़ करना है ताकि मक्खन आपके हाथ को ना लगे और आपके हाथ बिल्कुल चिपचिपे भी ना हो। तो 3 से 4 बार अच्छे से मैं इसे वॉश कर रही हूँ ताकि जो दही की खट्टी स्मेल हो वो यहाँ पे घी में ना लगे। तो इस मक्खन को मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे रख देंगे गैस के ऊपर, क्योंकि हम अभी अब घी बनाने जा रहे हैं। तो देखिए ये अभी मेल्ट होना शुरू हुआ है। 10 से 15 मिनट के बाद हमारा घी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। घी बनाते समय हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पर रख देनी है, क्योंकि ये गैस की फ्लेम हाई होने पर ऊपर आ सकता है और नीचे गैस के ऊपर गिर सकता है। तो ऐसा ना हो इसीलिए आप इसके ऊपर एक लकड़ी का चम्मच भी रख सकते हैं या स्टील का चम्मच अंदर डाल सकते हैं। इसके बावजूद भी ये अगर ऊपर आए तो हमें स्टील का चम्मच लेके 1 से 2 बार इसे मिक्स करना है, क्योंकि अंदर की स्टीम बाहर निकले। और इसे रोकने के लिए आप इसमें स्टील का चम्मच भी डाल सकते हो। तो 5 मिनट के बाद आपको ऐसे दिखने लगेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि 10 से 15 मिनट के बाद हमारा घी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 15 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हो कि घी बनकर तैयार है। गैस हमें लो फ्लेम पे ही रख देना है। तो अब हमें कर लेना है गैस का फ्लेम ऑफ और घी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो हम अभी इसे निकाल लेते हैं। मैंने इसे छलनी की हेल्प से छान लिया है। और यहाँ पे एक सीक्रेट टिप भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको दानेदार घी चाहिए तो जब आपका घी गर्म हो तभी आप इसे ग्लास की जार में स्टोर करें, ताकि ये अच्छे से दानेदार भी बने और इसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा हो। तो घी इन सारी प्रॉब्लम्स को आपसे दूर रखता है और आपको हेल्दी भी रखता है। तो आपके खाने में डेली 2 से 3 चम्मच घी ज़रूर ऐड कीजिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू सो मच।